ओम शांति। आज की मुरली का सार शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये देना है कि जैसे मुरली का सार बीच बीच में एक आध दिन नहीं आ पा रहा है क्योंकि घर में कुछ इवेंट्स हैं और अभी एग्ज़ाम्स का भी टाइम है, तो इसीलिए बीच बीच में गैप हो जा रहा है। और प्रॉब्ली आगे आने वाले एक दो दिन रिकॉर्डिंग हो सकता है ना अपलोड हो। सो जो भी लोग, चाहे एक लोग दो लोग, जितने भी लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये नोट है कि अगर एक दो दिन रिकॉर्डिंग ना आए तो ये अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ इवेंट है, प्रॉब्ली सर्विस में बिजी हो गए होंगे। तो बाबा की जो आज की मुरली है, यानी 11th November 2020, आज की मुरली में बाबा ने हम लोगों को एक वार्निंग दी, एक समझ दी कि कोई भी मूवी, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मूवी हो चाहे कोई नॉवल ही हो फॉर दैट मैटर, तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि जैसे घर में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, हम लोग आपस में सपोज बी के साथ में रहते हैं और कोई किसी को नॉवल पढ़ता हुआ देख, तो बाबा कहते हैं कि नॉवल लेकर के फाड़ देना चाहिए, उनको सुझाव दो, सावधान करो कि ये करना ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करो। परंतु हमारे घर में अगर कोई बीके नहीं है और वो नॉवल पढ़ रहा है, तो उसका नॉवल फाड़ देना ये श्रीमद् बाबा की नहीं है। अगर वर्ड बाय वर्ड बाबा की श्रीमद् देखी जाए तो बाबा ने कहा बीके, यानी हम जो आपस में बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, एक दो को सावधान करने की अथॉरिटी हमारे पास है, लेकिन दोज हु आर नॉन बीके, जिनको ज्ञान नहीं है, जो मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्हें मुरली के बारे में नहीं पता, उनके साथ ऐसा बिहेवियर डिससर्विस करा सकता है। बाबा की कई बातों में जो हमें एक टाइटल मिला जिसमें बाबा कहते हैं कि तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, घर में जब भी कोई सर्वेंट होता है तो हमेशा कैसा सिंपल, कोई अभिमान नहीं होता। बाबा हमें सर्वेंट और मालिक बनने का एक बैलेंस सिखाते हैं मुरली के द्वारा। एक तरफ कहते हैं कि तुम स्वराज्य अधिकारी हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, और फिर दूसरी तरफ बैलेंस के लिए कहते हैं कि तुम सेवाधारी हो, सर्वेंट हो। रिलेशन बाबा इस चीज़ का ऐसे देते हैं जैसे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो साइन करते वक्त क्या लिखते हैं, इन ओबीडियंट सर्वेंट, है ना, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, या फिर इन सर्विस, है ना, इन योर सर्विस, ऐसे करके फिर उसको साइन करते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे क्या हो, तुम सेवाधारी हो, ओबीडियंट सर्वेंट हो। ये बात क्यों कह रहे हैं बाबा, किसी की सेवा करना मना हाँ जी करना पहली चीज़, लेकिन हाँ जी करने के लिए भी बाबा ने हमारे जीवन में श्रीमत की गाइडलाइंस दी हुई हैं। सेवा करना, बाबा ने जैसे मेहमान नवाजी की बात कही, मेहमान नवाजी भी हो, परंतु जितना बाबा फिजिकल नवाजी की बात नहीं करते, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल मेहमान नवाजी की बात करते हैं कि सूक्ष्म लंगर तो सदा ही लगा रहे, जो सूक्ष्म लंगर है जिसमें आत्माओं को गति सदगति के वाइब्रेशंस बाबा की याद से पहुंचाए जाते हैं। प्रैक्टिकली शुभ भावना, शुभ कामना, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, तो बाबा उस नवाजी की ज़्यादा बात करता है, मेहमान नवाजी। कोई भी आए घर में, कोई भी गेस्ट हो, कोई भी उसका हमारे साथ रिलेशन हो या किसी भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करे, हमारे हृदय की जो भावना है, हमारे मन से निकलने वाली शुभ भावना, शुभ कामना, वो किसी के शरीर के ऊपर आधारित ना हो। जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा जब सबसे पहले पहले आती है तो वो बिल्कुल अशरीरी अवस्था में होती है। परम धाम से जब हम लोग पहले पहले पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं तो वो बिल्कुल संपूर्ण अशरीरी अवस्था है, और शांति धाम तो खुद में ही एक पवित्र धाम है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ईगो, कोई बॉडी कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो आत्मा अशरीरी अवस्था में आई, अर्थात अपनी वास्तविकता में बाबा हमें फिर से लेकर के जा रहे हैं। बाबा ने कहा ना कि बाबा ने पुराना शरीर आधार लिया, कर्म इंद्रियों का आधार लिया,
ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर संगम युग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा की श्रीमत है वो यही है कि देह भान को भूल, देही अभिमानी बन। जैसे बाबा क्या है ना, भक्ति मार्ग के शास्त्रों से रिलेट करते हुए कि उसमें ये बात कहीं ना कहीं मेंशन्ड होती है, गीता में भी जैसे है कि देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो बाबा उसके आगे सदा ऐड करते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो अगर शास्त्रों की में भी लिखी इन बातों को कोई इम्प्लीमेंट कर लेता, धारणा में ले आते, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कनरस ना करो मन रस करो, वो बात मन में समाए, मन में जाए, संस्कार परिवर्तित हों, तब तो उस चीज़ का कोई फायदा है, अन्यथा उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। अब धर्म स्थापकों की भी बात आज की मुरली में है। कई बार प्रश्न ये उठता है कि धर्म स्थापक या जितने भी भक्त हैं तो उनको ये ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता। सोचने वाली बात ये है कि सन्यासियों का जो कर्तव्य है ड्रामानुसार वो ये है कि द्वापर युग में जब देवी देवता वाम मार्ग में चले गए तो इस पूरे संसार को पवित्रता से थाम लेना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सन्यासियों को ये ज्ञान मिल जाए, ड्रामा का स्क्रिप्ट अगर ऐसा हो जाए कि सन्यासियों को भी ये ज्ञान मिले, तो बाबा को उन्हें भी 21 जन्मों का वर्षा देना पड़ेगा। और वो मान लीजिए हमारे साथ सत्ययुग में आ गए, तो द्वापर युग में जब हम एंटर कर रहे हैं तो देवी देवता तो अपवित्र हो चुके, वाम मार्ग में चले गए, और संसार को पवित्रता की आवश्यकता थी, उस समय देवी देवता वो दे नहीं सकते। तो कोई तो ऐसा चाहिए जो इस धरा पर पवित्रता को मेंटेन करे, क्योंकि बाबा तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, वो है पवित्रता का सागर परंतु निशस्त्र, अर्थात वो करवा सकते हैं परंतु स्वयं करेंगे नहीं, है ना। स्वयं करेंगे भी तो वो भी गुप्त रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से तो एक्टर को ही पार्ट प्ले करना है। बाबा ड्रामा अनुसार डायरेक्शन देता ही रहता है, सदा करनहार बन करके, करावनहार से कराता ही रहता है, करण करावनहार बन करके, परंतु अपने ही क्रिएट किए लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट जा करके इस धरा पर स्वयं पवित्रता को स्टैब्लिश नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा अगर प्योरिटी मेंटेन करने पे आ जाए तो दुनिया कभी इम्प्योर होगी ही नहीं। इसीलिए ड्रामा को बाबा ने हमेशा एक्यूरेट बताया। अगर ड्रामा की बात भी ली जाए, सत्ययुग और पुरानी दुनिया, अर्थात नई दुनिया और पुरानी दुनिया, इन दो बातों का कॉन्ट्रास्ट हर दिन की मुरली में ही रहता है। तो बाबा ने कहा कि जब भी बाबा पूछते हैं कि क्या बनना है, तो नर से नारायण बनने की ही बात आती है। हर किसी के जहन में जो लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है, वो सामने लक्ष्मी नारायण की ही फोटो होती है, बैज में भी लक्ष्मी नारायण की ही फोटो है। तो बाबा ने एक बड़ी गुह्य बात आज की मुरली में कहा, इसी रिलेशन से, इसी बात को कनेक्ट करते हुए, कि अभी तुम क्षत्रिय हो। देखिए, ब्राह्मण, जैसे हम लोग देवता से पहले क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से फिर हम वैश्य बने, वैश्य से फिर शूद्र बने, शूद्र से फिर डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे, अब ये सीढ़ी रिवर्स होगी और उसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेगा वो सीढ़ी को फिर से चढ़ पाएगा, अर्थात चढ़ती कला में जा पाएगा, रिवर्स जा पाएगा, शूद्र से वैश्य बनेगा, वैश्य से क्षत्रिय बनेगा। क्षत्रिय माना अपने कमी कमजोरियों से लड़ाई करना शुरू कर देना संगम युग के आधार पर, और फिर क्षत्रिय से हम देवता बनेंगे फाइनली। तो पहले माया के साथ युद्ध तो हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मा बाबा ही क्यों ना हो, एनीबडी, हर किसी को ड्रामानुसार माया के साथ युद्ध तो करना ही करना है। तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ हो सेवा के विषय में, और बैज, बैज का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि बैज आपको बिना किसी प्रकार का, मुझे, हम सबको बिना किसी एफर्ट का बाबा के ज्ञान का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। एम ऑब्जेक्ट तो स्मृति में रहेगी, ठीक है, अगर सामने बैज दिखता रहे तो एम ऑब्जेक्ट याद आता रहेगा कि अच्छा मुझे ये बनना है।
परंतु इसके अलावा सेवा के अवसर ये बैच कई बार देता है, लगा के नॉर्मल रंगीन कपड़ों पे भी अगर पहन के चले जाएं, जिनकी नज़र पड़ेगी वो पूछेंगे अवश्य कि ये क्या है, इज दिस समथिंग डिफरेंट, क्या है ये, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कन्वे बाबाज नॉलेज। वरदान आज का था ऑलराउंड सेवाधारी भव। इस चीज़ को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे गणेशा, लॉर्ड गणेशा के लिए कहते हैं कि कार्तिक और गणेश के बीच में परिक्रमा की बात हुई थी, तो कार्तिक के पास तो मोर था, तो वो इजीली पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की बात हुई, और गणेश के पास तो केवल एक मूषक था, चूहा था, तो उन्होंने अपने माता पिता के आसपास ही परिक्रमा कर लिया, उन्हीं के आसपास परिक्रमा करके कहा कि यही मेरे संसार है, यही मेरी दुनिया है, इन्हीं में मेरा संसार है। तो ऑलराउंड सेवाधारी, ऑलराउंड सेवाधारी माना कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अपने आप स्वतः ऑलराउंड सेवाधारी है वो। बाबा कहते हैं संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है ना, एक बारी सेवा की और हजार बार सेवा का फल प्राप्त हो गया, परंतु कब, जब वो सेवा बाबा की याद में रहकर की जाए, सेवा माना कोई भी कार्य, और ईश्वरीय सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है ना, सेवा माना सर्विस कैटेगरी जिसमें अलग अलग सेवा आती है, लौकिक आती है, अलौकिक आती है, परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो मानी जाए वो ईश्वरीय सेवा, और हर सेवा में अगर ईश्वर की याद हो, बाबा याद हो, तो हर सेवा ईश्वरीय सेवा बन सकती है। और स्लोगन है स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के जो अभिमान है, ईगो है, मैं फलाना है ना, वास्तविक जब स्व को समझ गए और सेल्फ रिस्पेक्ट में जब चले गए तो ईगो अपने आप डिसअपियर होगा, क्योंकि स्वमान में क्या आएगा कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओरिजिनैलिटी शांति है, अब खो गई है, परंतु उसके साथ ये भी याद आएगा कि मैं तो शांति के सागर की संतान हूँ, तो शांति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो हूँ ही शांति धाम की रहवासी। तो जब स्वमान आएगा तो विभिन्न प्रकार के जो अभिमान हमारे लाइफ में हैं, ईगो हैं, वो वैनिश हो जाएंगे। ओम शांति।